आज की अहम सुर्खियों पर सरसरी नजर। तेलंगाना में आज से 6वीं-8वीं जमातों का आगाज, वालिदैन का इजाजतनामा जरूरी, शिरकत के लिए दबाव नहीं, वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी का इजलास। नौजवानों में स्किल डेवलपमेंट और सनअतों के क्याम की रहनुमाई, चीफ मिनिस्टर केसीआर अनकरीब स्कीम को मंजूरी देंगे, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की आला ओहदेदारों से मशावरत। सेक्रेटरीट की इबादतगाहों की तामीर में जाब्ता अखलाक कोई रुकावट नहीं, टीआरएस हुकूमत दोबारा तामीर में गैर संजीदा, कांग्रेस कायद मोहम्मद अली शब्बीर का इल्जाम। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के लिए 7 मार्च को आलमिया मुतक्की, रियासतों में तरक्याती प्रोग्राम्स और दौरे जारी रखने वजीर आजम नरेंद्र मोदी का इरादा। गुजरात के बल्दियात में MIM का दाखिला, अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की 7 नशिस्तें जीत ली, 6 कॉरपोरेशन पर बीजेपी का कब्जा बरकरार। तेलंगाना में IT इंफोसिस कंपनी की भारी सरमायाकारी, माइक्रोसॉफ्ट के CEO सत्या नादेला और वजीर तारिक KTR की वर्चुअल बातचीत। बोधन पासपोर्ट स्कैम, 8 मुलजिमीन गिरफ्तार, 2 मुलजिमीन पुलिस और 4 बांग्लादेशी शहरी शामिल, एक ही पते पर 37 पासपोर्ट जारी किए गए, साइबराबाद पुलिस CB सज्जनार का बयान। मिलिट्री इलाके में आबादी के मसाइले पर फौज के हिकाम से नुमाइंदगी, जाफर हुसैन मेराज के मुकामी कॉरपोरेटर्स और इब्तदाई मजालिस के जिम्मेदारान के साथ मुलाकात। इसी के साथ हमारी खबरों का इख्तिताम होता है। मज़ीद तफसीलात के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।